हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और क्रंची साबूदाना वड़ा की रेसिपी बताने वाली हूँ और साथ ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाऊंगी। तो वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिएगा और इसके साथ में एक फास्टिंग की चटनी भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप साबूदाना। तो मैं ये वाला मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ, तो इसी मेजरमेंट से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। इसको सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे, तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसकी जो सफ़ेद कोटिंग है ना, जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो इसको कम से कम 2 से 3 बार धो लीजिए, इससे पूरा सफ़ेद पानी ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसको धो लिया है, ये देखिए अब इसमें एकदम सफ़ेद पानी आ गया है। लेकिन इतने सारे पानी में हमें इसको नहीं भिगाना है, वरना एकदम ये खिचड़ी बन जाएगी। तो ये वाला पानी भी, साफ़ वाला पानी, अब हम फेंक देंगे और अब हम इसको भिगाएंगे। तो भिगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यही वाला कप। तो 1 कप साबूदाना के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप से सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून कम पानी। ये देखा आपने, बस इतना कि साबूदाना उसमें अच्छी तरीके से भीग जाए, पूरी तरीके से भीग जाए। ये चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। और यही स्टेप ना आपको खिचड़ी बनाने में भी काम आएगा, यही वाले साबूदाने में आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको सारी बातें बताती जा रही हूँ। तो ये देखिए इसमें डूब गया है साबूदाना। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप अपनी उंगली डालेंगे ना, तो ये देखिए जो द लेवल ऑफ वाटर है वो इतना ही होना चाहिए, करीबन आधा इंच जितना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो गया पानी तो जो साबूदाना है ना वो एकदम चिपचिपे बनेंगे, वड़ा के लिए भी और साबूदाना खिचड़ी के लिए भी। तो बस इसे सोक करने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटों के लिए, या फिर अगर आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी सोक कर सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए मेरे पास ये साबूदाना है, इसे मैंने पूरी रात के लिए भिगाया था। ये अपने साइज से डबल हो गए हैं, अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से, इन्होंने पूरा पानी सोख लिया है, लेकिन एकदम ड्राई ड्राई है, ऐसे चिपचिपे जैसे नहीं है। पूरा पानी सोखने के बाद भी हर एक दाना खिला खिला है और बराबर अलग अलग है। तो अब पता कैसे चले कि ये सोख हुए हैं कि नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक साबूदाना को मैश करके देखिए, ये देखिए एकदम बराबर तरीके से एकदम पूरा मैश हो रहा है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम पूरे तरीके से मैश हो रहा है सेंटर तक के। वरना अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भिगाएंगे ना, तो क्या होता है इसका अंदर का जो दाना रहता है ना, एकदम सेंटर वो कच्चा रह जाता है और ये बाहर से सॉफ्ट रह जाता है। तो वैसे साबूदाना हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बस ये थे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसको परफेक्टली भिगाने के लिए, जिसमें मैंने खुद बहुत बार गलतियाँ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये सारे टिप्स शेयर करूँ। हाँ, और मान लीजिए एक और टिप, मान लीजिए अगर आपका पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो भी गया, तो इस स्टेज में पूरा पानी निकल जाएगा, पूरा सोख लेगा, आप इसको छन्नी में डाल के 10 मिनट साइड में रख दीजिएगा, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी भी होगा, मान लीजिए अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो वो पानी भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर हाँ, तो इस मेरे एफर्ट्स को और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, मतलब कच्ची मूंगफली ली थी, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया पैन पे लो मीडियम फ्लेम पे, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए उसको भून लिया। और फिर मैंने ना उसके छिलके अलग कर दिए, और छिलके अलग करने के बाद उसको मैंने इस फूड प्रोसेसर में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये फूड प्रोसेसर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ईजिली मिल जाता है अमेज़ॉन में, मुझे बहुत ही सस्ते में मिला तो मैंने खरीद लिया। और ये तो मेरा मेन फ्रेंड था, स्पेशली लॉकडाउन में इसने मेरा बहुत साथ दिया। तो मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। इसमें मैंने पीनट्स डाल दिए, इसको ढक देंगे और इसको ऐसे पुल कर लेंगे इस रस्सी से, ये देखिए। और अगर आपको ख़रीदना है तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल मिलता है और बहुत ज़्यादा काम का है। बस इसको जितनी बार आप खींचेंगे ना, उतनी बार ये दरदरा होता जाएगा। तो ये देखिए मैंने दरदरा मूँगफली कर दिया है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं करना है। अगर आपको बहुत फाइन करना है तो आप इसको थोड़ा और चला सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से दिखता है। हमको ऐसा ही पीनट्स का पाउडर चाहिए, दरदरा पाउडर। तो अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट टिप, ये है कि मैं इसको इसी समय साबूदाना में मिक्स करूँगी। नॉर्मली कभी कभी हम आलू डालने के बाद मिक्स करते हैं, तो क्या होता है ना, वो इवनली मिक्स नहीं होते हैं। तो क्योंकि साबूदाना इस वक्त ड्राई है, पीनट्स भी ड्राई है, तो इसी वक्त इसमें मिला लीजिए ताकि वो एकदम अच्छे से मिलजुल जाए, और फिर बाद में नहीं तो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये मिक्स हो गए, अब मैं इसके ऊपर ग्रेट करूँगी आलू। तो आलू को ग्रेट कर लीजिए, बॉयल आलू को। ग्रेट करने से क्या होता है ना, इसका जो टेक्सचर है एकदम इवन आता है, और फ्राइंग में भी ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि जब आलू के लच्छे आप कभी भी देखेंगे फ्राई करते हैं ना, तो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आलू सारे ग्रेट कर लीजिए।
और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस साइज के आलू यूज किए, वो भी तीन। तो इस साइज के मैंने तीन बॉयल आलू यूज किए। इससे क्या होता है, एकदम इवन प्रपोर्शन आ जाता है, मतलब कि जितने साबूदाना मैंने यूज किए उसके हिसाब से ये तीन आलू एकदम परफेक्ट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है उसका रेशियो। वरना क्या होता है, अगर साबूदाना ज्यादा हो जाए तो बाहर एकदम वो कैसे से दाना दाना दिखता है, वैसे हमें नहीं चाहिए, एकदम इवन कटलेट्स हमें बनाना है। तो सारे आलू मैंने डाल दिए। तो नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। आप चाहें तो यहाँ पे सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं अगर आप स्पेशली फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो। और फिर मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े ऐसे अदरक के, आप चाहें तो छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। और फिर मैं डाल रही हूँ दो से तीन हरी मिर्च जैसे बारीक कट हुई। तो आज मैं कम स्पाइसी वाली हरी मिर्चें यूज करी क्योंकि मेरी छोटी बेटी आंशी को बिल्कुल पसंद नहीं है स्पाइसी। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्चें भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक टीस्पून भर के जीरा, फिर डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और फिर मैं डाल रही हूँ एक नींबू का रस, फिर मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून भरकर पाउडर्ड शुगर। इससे मीठा नहीं होगा लेकिन सारे फ्लेवर्स जो है ना अच्छे से इसमें एकदम एनहांस हो जाएंगे, एकदम बैलेंस हो जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जैसे एकदम पार्टी जैसा तैयार हो जाए। और अगर आपको मिक्सचर ड्राई लगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप एक टीस्पून तेल डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाइए, बिल्कुल आटे जैसा हो तैयार हो जाना चाहिए। तो ये देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, अपने हाथों में हल्का सा तेल ले लूंगी और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी टिक्कियां बनाते जाएंगे। तो इसकी राउंड ओवल जैसे आपको टिक्कियां चाहिए तो राउंड बॉल्स भी बना सकते हैं, छोटे छोटे जैसे चीज बॉल्स बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं राउंड टिक्कियां बना रही हूँ इस शेप की, इतने पोर्शन की। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप आता है, वो ये है फ्रेंड्स कि जब आप टिक्कियां बनाएंगे ना तो इसको दबा दबा के ऐसे थोड़ा सा तेल लगा लगा के बनाइएगा। इसके बीच में ना यहाँ पे कोई भी क्रैक्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बीच में क्रैक्स या होल्स आ गए ना तो वहां से आपका तेल चला जाएगा फ्राई करने के समय और आपकी टिक्कियां बहुत ज्यादा सॉगी होगी और अंदर से पूरा तेल पी लेंगी। तो ऐसे घुमा घुमा के देखिए आप, जैसे मैं कर रही हूँ एकदम स्मूथ टिक्की कोशिश करके बनाइएगा, कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए वरना तेल अंदर चला जाएगा। तो ये एक टिक्की रेडी है, मैं आपको दूसरी भी बना के दिखाती हूँ, बस ऐसे स्मूथ करते जाइए तो आप अच्छे से इसमें तेल यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरी टिक्की भी रेडी हो गई है, इसी तरह से सारी टिक्कियां तैयार कर लेंगे। तो ये सारी टिक्कियां तैयार हो गई है फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम स्मूथ दिख रही है ऊपर से, कोई भी क्रैक नहीं है इसमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसमें ऐसा साबूदाना ज्यादा है, आलू ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम परफेक्ट लेवल पे साबूदाना भी दिख रहा है, आलू भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप साबूदाना ज्यादा यूज करेंगे ना, आलू कम, मतलब बैलेंस में प्रपोर्शन नहीं रखेंगे तो ऊपर पूरे दाने दाने रह जाएंगे साबूदाना के, और फिर वो ओवर कुक हो जाते हैं, पूरे जल जाते हैं फ्राई करने के समय। तो बस ये रेडी है मेरा पूरा बैच। आप चाहें तो इसको अभी तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बस 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। उससे क्या होगा, इसमें जो भी एक्स्ट्रा नमी होगी वो भी इवेपोरेट हो जाएगी, मतलब उसका एक्स्ट्रा पानी भी उड़ जाएगा और ये फ्राई करने के समय में और भी ज़्यादा क्रंची बनेगी। तो जब तक हमारी टिक्कियाँ रेस्ट कर रही, चलिए फटाफट से एक फास्टिंग की चटनी बना लेते हैं, क्योंकि बड़ा बना रहे हैं तो 2 मिनट ही लगेगा चटनी बनाने में, तो चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए एक ब्लेंडर, छोटे ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ थोड़े से पीनट्स, वही रोस्टेड पीनट्स जो मैंने पहले मूंगफली करके रखा था साबूदाना के लिए। थोड़ी सी मैं चटनी आपको बना के दिखा रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ एक टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्च, तो यहाँ पे आप तीखी वाली हरी मिर्च यूज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया, आप चाहें तो धनिया स्किप कर सकते हैं, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून भरकर दही। तो दही भी डाल दीजिए अच्छे से, इससे बहुत ही अच्छी क्रीमी बनेगी हमारी चटनी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो बस देखा आपने कितनी फटाफट वाली गाढ़ी क्रीमी चटनी, पीनट चटनी हमारी तैयार हो गई है। और ये सिर्फ साबूदाना वड़ा के साथ ही नहीं, आप ऐसे ही बना के रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते तक की, अच्छी रहती है और ये वाकई में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है और मस्त मज़े की लगती है, किसके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप इसको चाहें तो और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं या फिर नारियल भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये हमारी बढ़िया सी 2 मिनट में बन गई गाढ़ी क्रीमी चटनी, वो भी फास्टिंग के लिए। इसको साइड में रख देते हैं और चलिए अपने कटलेट्स फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पर, जैसे ही गरम हो जाएगा एक एक करके साबूदाना कटलेट इसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कटलेट्स फ्रेंड्स इसमें नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और जो फ्लेम है ना वो मीडियम हाई फ्लेम पर होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा कटलेट्स अगर आप डाल देंगे ना तो आपस में चिपक जाएंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना अगर हाई में कर देंगे ना वो जल्दी से ऊपर से डार्क और एकदम ब्राउन तो हो जाएंगे, आपको लगेगा कि पक गए लेकिन अंदर से ना कच्चे रह जाते हैं। तो इसको फ्राई करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रंची ना हो जाए, आपको देख के पता चलेगा। ये देखिए अभी हल्के हल्के से चिपक रहे हैं आपस में, लेकिन वो थोड़ी देर फ्राई होने के बाद खुद ही अलग हो जाएंगे। तो बस इसको पलट पलट के ऐसे फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए करीबन 3 मिनट हो गया है, इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, ये पक ही गया है, ये कलर आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको और ज़्यादा क्रिस्पी करना है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी देर और फ्राई किया मैंने, क्योंकि हमारे घर में ना एकदम क्रंची वाले वड़ा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और क्रंची बनाना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप चाहें तो साबूदाना के मिक्सचर में ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी करना है तो, पर मुझे स्पाइसी नहीं करना था इसलिए मैंने नहीं डाला, और कम हरी मिर्ची भी डाली है मैंने इसमें। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर आ गया, क्रंची दिख रहे हैं चारों तरफ से, बस इस स्टेज पे इसको निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। वाह, क्या मज़े के लग रहे हैं निकालते समय, एकदम एकदम खाना करें, एकदम आवाज़ आ रही है, और देख के ही पता चल रहा है कि काफ़ी अलग अलग और क्रंची बने। इसी तरह से सारे वड़ा निकाल देंगे, तो बस सारे वड़ा फ्राई कर लीजिए और इसी तरह से इसके ऊपर निकाल दीजिए। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, ये देखिए लग रहे हैं ना सुपर क्रंची और एकदम अलग अलग। तो इसको अब हम प्लेट अप कर देंगे। तो प्लेटिंग के लिए मैं ये प्लेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए साबूदाना वड़ा। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, और बीच में बस हम रख देंगे ये वाली डिप जो हमने बनाई थी फास्टिंग की चटनी। वाओ, कलर कॉम्बिनेशन भी एकदम परफेक्ट आया है। तो बस मैंने इसको 2-3 तरह से प्लेट किया था, वो सारी प्लेटिंग मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि अब तो मैं रुक नहीं पा रही हूँ, एक कटलेट तोड़ेंगे। ये देखिए ऊपर से काफ़ी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट, अंदर से बराबर पका हुआ है। इसको डिप डिप करेंगे इस फास्टिंग की चटनी में और इंजॉय करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप और ऐसी रेसिपीज मिस ना करें। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।